बीते रोज चुनाव आयोग द्वारा देश भर में लोकसभा चुनावों की तारीखें तय करने के साथ ही पूरे देश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया गया। अम्बाला में भी आज जिला उपायुक्त ने एक साझा पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और चुनाव संबंधी जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि अम्बाला में कुल पोलिंग स्टेशन 908 हैं, कुल मतदाता 8,04,317 हैं, जिनमें 3,76,024 महिलाएं हैं और पुरुष मतदाता 4,28,293 हैं। क्या कुछ कहा जिला उपायुक्त ने, खुद सुन लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें अपने राजनीतिक दलों को और कैंडिडेट्स को उनको आदर्श आचार संहिता को फॉलो करना होता है। साथ ही में जो मोटा मोटा जो एक फिगर्स हैं वो थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी मैं। टोटल पोलिंग स्टेशन है जो अम्बाला ज़िले में वो 908 हैं डिस्ट्रिक्ट में। जो इलेक्टर्स हैं टोटल वो 804317 ये टोटल नंबर्स है, जिनमें से फीमेल हैं जो 376,024 हैं और जो मेल हैं वो 428,293 हैं। तो और जो जेंडर रेशियो है हमारे सेंसस के अकॉर्डिंग वो 882 है जो हमारे ज़िले का है। हरियाणा के जो इलेक्शंस हैं उसके जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो 16 अप्रैल 2019 होगी। नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है 23 अप्रैल 2019 होगी। स्क्रूटनी नॉमिनेशन पेपर्स की 24 अप्रैल 2019 को होगी। विड्रॉल की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2019 है। जो पोलिंग की डेट है 12 मई 2019 और काउंटिंग की जो डेट है 23 मई 2019 होगी। चुनावों के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो इसको लेकर चुनाव आयोग द्वारा कई तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। बकायदा एक टोल फ्री नंबर के अलावा मोबाइल ऐप भी बनाई गई है जिसमें वोटर्स अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, जिनका समाधान 100 घंटे के भीतर ही करना होगा। सबसे पहले जो हमने कार्रवाई शुरू करी है कि जितने भी होर्डिंग्स, इलीगल अनऑथोराइज होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स अलग अलग जगहों पर लगे हैं, खासकर सरकारी दफ्तरों में, कार्यालयों में, कैंपसेस में, उनको हटाने का काम शुरू हो गया है और अगले 72 घंटों तक सारा जो ये जो बैनर्स पोस्टर्स हैं उनको हटाने का काम हो जाएगा। जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है जैसे, वहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल फंक्शनरी का फोटोग्राफ यूज़ नहीं हो सकता, उनको इमीडिएटली हटाने का या उनको हाइड करने का निर्देश दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने 1950 ये एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करा है। जितनी भी वोटर्स की समस्याएँ हैं, पर्सनल इंडिविजुअल समस्याएं हैं, वो उसमें 1950 पे कॉल करके वो उस समस्या का समाधान हम उस पर ले सकते हैं। एक और जो एप्लीकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है वो है सी विजिल। सी विजिल है सिटीज़न विजिल, एक एप्लीकेशन है। इसमें यह 13 मार्च से लॉन्च हो रही है, एक्टिवेट हो जाएगी। इसमें बेसिकली कोई भी आम नागरिक अगर उनको कहीं भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नज़र आती है या जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर रिलेटेड कोई भी वायलेशन नज़र आती है वो उसकी इमिजिएटली उसकी फ़ोटो खींच के उस एप्लीकेशन में डाल सकते हैं और उस जो समस्या है, जो वायलेशन है, उसका जो समाधान है वो 100 मिनट में उसको उसका जो समाधान है वो करा जाएगा। उपायुक्त अम्बाला ने बताया कि चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों और उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए सुविधा नाम से पोर्टल बनाया है जिसमें उम्मीदवारों के लिए सभी फॉर्म्स और अन्य जानकारियां रहेंगी। इसके अलावा उम्मीदवार चुनाव में कितना खर्च कर रहे हैं इस पर भी प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। साथ ही में जितने भी पॉलिटिकल फंक्शनरीज होंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो पोर्टल है, दैट इज़ बाय द नेम ऑफ सुविधा। जितने भी फॉर्म्स होंगे, नॉमिनेशन फॉर्म्स होंगे, वो लेके उसके ऊपर अपलोड करे जाएंगे। साथ में जो भी परमिशंस चाहिए होंगी कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, रैली करने के लिए, लाउडस्पीकर यूज़ करने के लिए, पोस्टर बैनर्स के लिए, जितने भी अलग अलग तरह की परमिशंस हैं वो सारी ऑनलाइन अप्लाई होंगी, सिंगल विंडो सिस्टम पे, और ऑनलाइन ही हम उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर परमिशंस देंगे। जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी हिदायतें बहुत सख्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की
कि जो खर्चा है वो लिमिट के अंडर ही होना चाहिए, तो उसके लिए एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की हमें कमेटी बनाई हुई है, उसमें फ्लाइंग स्क्वाड्स कॉन्स्टिट्यूट करे गए हैं, वीडियो टीम्स हमारी कॉन्स्टिट्यूट करी गई हैं, जो लिकर कैश और ड्रग्स इनको बांटने के उनको चेक करने के लिए इंटेंसिव चेकिंग हमारी टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करी गई हैं। हाँ, फेसबुक पेज भी हमने, फेसबुक पेज है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अम्बाला का, आपसे रिक्वेस्ट है उसको फॉलो करें और हमारे नोटिस में भी लाएं, अगर कोई वायलेशंस होती हैं प्लीज ब्रिंग इट टू आवर नोटिस उसके थ्रू। इस पत्रकार वार्ता में मौजूद अम्बाला के पुलिस कप्तान मोहित हांडा ने भी चुनावों के दौरान पुलिस द्वारा किए गए इंतजामों की जानकारी दी कि एकदम निष्पक्ष चुनाव हों, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, एक शांतिपूर्ण माहौल में हों, और इसके लिए हम अपनी टीम्स को, हमने भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ही तुरंत उनको ब्रीफ करना शुरू कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर पर्सपेक्टिव से और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से हमें क्या कदम लेने होंगे। तो हमने ऑलरेडी अपनी जो जिला स्तर पे हमारी कंपनीज हैं, पुलिस बल है, उनकी हमने प्रैक्टिस भी शुरू करवा दी है ताकि वो जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर हो तो वो उसके लिए पूरी तरह सशक्त रहें, पूरी तरह से तैयार रहें। इसके अलावा जहाँ पे पूरे ज़िले में नाकाबंदी की जाएगी उसको, उसके नाकाबंदी के पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी डिफाइंड हैं, उनको भी इलेक्शन को देखते हुए उनको दोबारा रिव्यू किया जाएगा और कड़ी से कड़ी और एक सुचारू रूप से उसमें नाकाबंदी हो, इसका भी हम प्रबंध करेंगे। साथ ही साथ एक स्पेशल कैंपेन भी चलाई जाएगी जिसमें अवैध शस्त्र के विरुद्ध, नशीले पदार्थों के विरुद्ध, अवैध शराब के विरुद्ध, इन सब चीज़ों का भी, इन सब पे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम थोड़ा कड़ा रुख अपनाएं ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकें। जी, तो जैसे कि कल जब ECI की भी कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि सोशल मीडिया के जो नॉर्म्स हैं वो वही रहेंगे जो बाकी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य मीडिया हैं, तो उसमें अगर कोई पेड मीडिया की जैसे कोई न्यूज़ आती है प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो सोशल मीडिया भी उसी कैटेगरी में फॉल करेगा।